अधिक पॉपुलर और पर्सुएसिव होने के लिए सिंपल रूल्स को जाने हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल को 1936 में पब्लिश्ड किया गया था। इसकी 15 मिलियन से ज्यादा ऑफिशियल कॉपीज बिकी हैं और अनऑफिशियली तो अनकाउंटेबल कॉपीज सर्कुलेट हो चुकी हैं। इसमें दी गई एडवाइजेस काफी सिंपल हैं, लेकिन ये हमेशा इफेक्टिव रही हैं। बस कुछ सिंपल गाइडलाइंस को फॉलो करना, जैसे कि किसी को मिलते वक्त स्माइल करना और उसके पहले नाम को याद रखना, किसी पर्सन को ज्यादा लाइकेबल और इन्फ्लुएंशियल बनाने में हेल्प कर सकता है। दोस्तों, यदि आप एक गुड इंप्रेशन बनाना चाहते हैं तो स्माइल करें। हमारे वर्ड्स की जगह हमारे एक्शंस दूसरों को दिखाते हैं कि हम उनके बारे में क्या सोचते हैं। इसलिए जब हम किसी नए पर्सन से मिलते हैं तो हम अक्सर कहते हैं, मैं आपको पसंद करता हूं और आपसे मिलकर बहुत खुश हूं। इसको कहने का सबसे आसान तरीका है दोस्तों कि हम उस इंसान को अपने चेहरे पे स्माइल के साथ रिसीव करें। तभी रियलिटी में उस इंसान को लगेगा कि जो हम कह रहे हैं वो जेन्युइन है। दोस्तों, हम ह्यूमंस उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं जो हमें देखकर स्माइल करते हैं। अगर हम किसी नए पर्सन से मिलते हैं और उन्हें स्माइल करते हुए देखते हैं तो हम अपने आप उन्हें पसंद करने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे की स्माइल इमीडिएटली हमें अंदर से वैसे ही वार्म और फजी फील कराती है जैसे कि एक डॉग की क्रेजीली वैक करती हुई पूंछ, क्योंकि दोनों ही हमें देखकर बहुत खुश होते हैं। दोस्तों, चाहे आपका प्यारा सा बच्चा हो या आपका फेवरेट पेट डॉग, तो दोस्तों यदि आप खुद को इंस्टेंटली लाइकेबल बनाना चाहते हैं तो पहली चीज यह करें कि आप दूसरों को यह दिखाएं कि आप उनके साथ रहकर कितना इंजॉय कर रहे हैं। अगर आप किसी को देखकर खुश हैं तो दूसरे व्यक्ति भी आपको देखकर खुश होंगे। साइकोलॉजिस्ट ने भी एक्सेसिव स्माइलिंग के पॉजिटिव साइड इफेक्ट का भी खुलासा किया है। ऐसा लगता है कि पॉजिटिव इमोशंस और मुस्कुराने के बीच कोई कनेक्शन तो जरूर होता है। कॉन्शियसली स्माइलिंग पॉजिटिव इमोशन को बढ़ा सकता है, ऐसे ही पॉजिटिव इमोशन भी इनवॉलेंटरीली स्माइलिंग को बढ़ा सकता है। इसका मतलब यह है कि मुस्कुराते हुए हम ना केवल दूसरे लोगों को खुश करते हैं बल्कि खुद को भी खुश कर देते हैं। इसलिए दोस्तों, ये कहा जा सकता है कि हालांकि एक स्माइल की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन यह इस स्माइल में शामिल सभी लोगों के चेहरे पे बहुत खुशी ला देती है। तो दोस्तों, ये बेहद आवश्यक है कि यदि आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपको पसंद करें तो उनको क्रिटिसाइज ना करें। लोगों को क्रिटिसाइज करना और उनकी गलतियों को पॉइंट आउट करना उन्हें अपने बिहेवियर को बदलने में इनकरेज नहीं करता, और निश्चित रूप से डायरेक्ट क्रिटिसाइज करना उन्हें कुछ सिखाने में हेल्प भी नहीं करता है। इसका रीजन यह है दोस्तों कि लोग रीजन से नहीं बल्कि इमोशन से ड्रिवन होते हैं। यहां तक कि जब क्रिटिसिज्म करना जरूरी लगे और आप क्रिटिसिज्म कर भी दें तो भी दोस्तों इसका अधिक प्रभाव नहीं होगा। जिस व्यक्ति को आप क्रिटिसाइज करते हैं वह रियलिटी में आप क्या कह रहे हैं यह नहीं सुनेगा, क्योंकि वह ऐसा फील करेगा कि उस पे किसी ने अटैक कर दिया हो और उसके नेचुरल रिएक्शन इमीडिएटली लड़कर अपनी पोजीशन को बचाने के लिए हो जाएंगे। इसलिए किसी को क्रिटिसाइज करने से आपको अपना गुस्सा शांत करने का मौका तो मिल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह दूसरों को आपको कम पसंद करने के लिए मजबूर कर देगा। तो दोस्तों, कई सक्सेसफुल लोगों ने एक्चुअली में दूसरों को कभी भी ओपनली क्रिटिसाइज नहीं करने की हैबिट बनाई है। फॉर एग्जाम्पल, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह दावा किया कि उनकी सक्सेस का सीक्रेट किसी व्यक्ति से बुरा नहीं बोलना था। अब्राहम लिंकन ने भी इस लेसन को सीखा था। वह पब्लिकली अपने विरोधियों को क्रिटिसाइज करते थे जब तक कि एक दिन उनकी आलोचना ने उन्हें मुश्किल में लाकर खड़ा कर दिया। उस मोमेंट से उन्होंने ओपनली दूसरे को क्रिटिसाइज करना बंद कर दिया। सिविल वॉर के दौरान उन्होंने उन लोगों को एक मशहूर एडवाइस दी जो सदनर्स के खिलाफ कठोरता से बात कर रहे थे। उन्होंने उनसे कहा कि उनकी आलोचना ना करें, वो भी उसी परिस्थिति में होंगे जिस परिस्थिति से वो खुद कई बार गुजर चुके हैं। तो दोस्तों, किसी को क्रिटिसाइज करना आसान है, लेकिन इसे समझने के लिए और दूसरों को उनकी गलतियों और कमियों के लिए माफ करने के लिए ह्यूमन को स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर रखना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे आपको लाइक करें तो उन्हें समझने की कोशिश करें कि उनके अंदर क्या चल रहा है, उनकी कमियों को एक्सेप्ट करें और इसे एक रूल बना लें कि कभी ओपनली आप किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्रिटिसिज्म केवल आपको ही नुकसान पहुंचाएगा दोस्तों लॉन्ग रन पे। दूसरों को खुशी से आप अपने फेवर्स में करना चाहते हैं तो अपने अप्रिसिएशन को अक्सर दिखाएं। दोस्तों, आप किसी को अपने लिए एक फेवर करने को कैसे कह सकते हैं? आपको यह इंश्योर करना होगा कि वे ऐसा रियलिटी में करना चाहते हैं
यानी वो रियलिटी में आपकी मदद करना चाहते हैं, पर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? आपको एक सिंपल रिवॉर्ड के साथ दूसरे इंसान को मोटिवेट करना चाहिए। अपने सिंसियर एप्रिसिएशन को उस इंसान को बार बार दिखा कर ये किया जा सकता है। लोगों को खुल के अप्रिशिएट करो दोस्तों, और फिर देखो वो कैसे आपके फेवर में खड़े हो जाते हैं। ह्यूमन बिहेवियर के स्ट्रॉन्गेस्ट ड्राइवर्स में से एक है दूसरे द्वारा अप्रिशिएट किए जाने की इच्छा। हम सभी को कॉम्प्लीमेंट्स लेना या सुनना अच्छा लगता है कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि सभी सिविलाइजेशन ह्यूमन की अप्रिसिएशन पाने की डिजायर पर डिपेंड करते हैं। प्रेज और अप्रूवल की हमारी इच्छा हमें हाईएस्ट माउंटेन पर चढ़ने, नॉवेल्स लिखने और मल्टी मिलियन डॉलर कंपनीज बनाने के लिए मोटिवेट करती है। तो दोस्तों, हम इससे क्या सीख सकते हैं? एक रिवॉर्ड के रूप में प्रेज हासिल करने की पॉसिबिलिटी एक खराब काम के लिए पनिश किए जाने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव है। किसी से यदि आप फेवर लेना चाहते हैं तो उस पर्सन के लिए आपकी पहचान एप्रिसिएशन करने वाले की होनी चाहिए, ना कि क्विक क्रिटिसाइज करने वाले व्यक्ति की। अपना एप्रिसिएशन दिखाने के लिए और खुद को ऐसा व्यक्ति बनाने के लिए जिसके साथ लोग काम करना पसंद करें, थैंक यू या आई एम सॉरी जैसे सिंपल फ्रेजेस का यूज करें और सिंसियर प्रेजेस देना सीखें दोस्तों। लोगों की नकली तारीफें ना करें, क्योंकि वो समझ जाएंगे और ये काम नहीं करेगा लॉन्ग रन पे। तो दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि आपका एप्रिसिएशन सच्चा हो। इस ऑनेस्टी को पाने के लिए राइट माइंडसेट जरूरी है। राल्फ वॉल्डो एमर्सन की तरह सोचने की कोशिश करें, जो कहते थे कि उनसे मिलने वाला हर व्यक्ति कुछ मायने में उनसे सुपीरियर था, इसलिए अन्य लोगों से सीखने और उन्हें अप्रिशिएट करने के लिए उनके पास हमेशा कुछ ना कुछ होता था। यदि आप दूसरों को सीरियसली लेते हैं और रिस्पेक्ट के साथ बिहेव करते हैं तो आप जानेंगे ये आसान है। उनके काम को इम्पोर्टेंस दें दोस्तों, और उन्हें ऑनेस्टली और सिंसियरली अप्रिशिएट करें, और बदले में वे निश्चित ही आपको लाइक करेंगे और आपके साथ काम करना एंजॉय करेंगे। यदि आप खुद को इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं तो दूसरों में इंटरेस्ट रखें। हम सभी को गुड लिसनर से प्यार है, स्पेशली जब वे पर्सन हमें अपने बारे में बात करने के लिए इनकरेज करता है। सभी ह्यूमंस नेचुरली अपने आप में इंटरेस्ट रखते हैं, और इसलिए हम हमेशा इस इंटरेस्ट को शेयर करने वाले किसी पर्सन से मिलने में खुश होते हैं। इसलिए दोस्तों, यदि आप लाइकेबल और इंटरेस्टिंग दिखना चाहते हैं तो बात ना करें, सुने। दूसरों से उनके बारे में पूछिए और उन्हें उतना बोलने के लिए इनकरेज करें जितना वे पसंद करते हैं। इंटरेस्टिंग होने का सीक्रेट केवल इंटरेस्टेड होने में है दोस्तों। किसी पर्सन को सच में सुनने के लिए आपको अपना फुल अटेंशन देना होगा। यह शो करने के लिए एक कॉन्शियस एफर्ट करें कि आप उनके बारे में वह सब कुछ जानने में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं जो वो कहना चाहते हैं। उन्हें इंटरप्ट ना करें, ना ही खुद को डिस्ट्रैक्ट होने दें। साइमन फ्रॉयड अपनी लिसनिंग स्किल्स के लिए फेमस थे। उन्होंने दूसरों को दिखाया कि दूसरे लोग जो कुछ भी बोलते हैं उन्हें बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, और रिटर्न में उन लोगों ने उनके साथ बात करना कंफर्टेबल फील किया और उनसे अपने सबसे प्राइवेट इमोशंस और एक्सपीरियंसेस को शेयर किया। दूसरी ओर, अपने बारे में ज्यादा बोलना, दूसरों की बात सुनने में नाकाम रहना, और जब वे बोल रहे हो तो लगातार उन्हें इंटरप्ट करना आपको इंस्टेंटली डिसलाइक कर देगा। यदि आप केवल अपने बारे में बात करते हैं तो यह इंडिकेट करता है कि आप सेल्फ सेंटर्ड हैं और केवल खुद का ध्यान रखते हैं, जिससे आप दूसरों के लिए अनलाइकेबल बन जाते हैं। इसलिए दोस्तों, अधिक लाइकेबल बनने के लिए गुड लिसनर बनने की कोशिश करें और दूसरों को बात करने के लिए इनकरेज करें, स्पेशली उनके खुद के बारे में। दूसरों के लिए उनको अप्रिशिएट करते हुए बताएं कि उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। लोग गुड लिसनर्स से बात करना एंजॉय करते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा वे किसी ऐसे पर्सन से बात करने में एंजॉय करते हैं जो उनके इंटरेस्ट की चीजों में नॉलेज रखता हो, जैसे उनकी हॉबीज या उनकी जॉब्स में। हर कोई उन चीजों के बारे में बात करना पसंद करता है जो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए नेचुरली वे उन लोगों को पसंद करते हैं जो अपने इंटरेस्ट को शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, थियोडोर रूजवेल्ट का एग्जाम्पल ले लीजिए। जब भी वह किसी पर्सन से फर्स्ट टाइम मिलने वाले होते थे तो वह मीटिंग के लिए पूरी तरह से प्रिपरेशन करते थे, जैसे वह उस पर्सन के इंटरेस्ट के बारे में सब कुछ पढ़ते थे। वह समझ गए थे कि किसी भी पर्सन के साथ अच्छे रिलेशन बनाने के लिए उन चीजों के बारे में बात करना जरूरी है जिन्हें वह सबसे ज्यादा वैल्यू देता है। ऑफ कोर्स, एक टॉपिक में सभी इंटरेस्ट रखते हैं, खुद के बारे में बात करने में हर पर्सन को लगता है कि वह वैल्यूएबल और इंटरेस्टिंग है, और हमें अच्छा लगता है जब दूसरे इस बात को कन्फर्म करते हैं।
बेंजामिन सर्टेनली सही थे जब उन्होंने कहा कि लोगों से उनके बारे में बात करें और वे घंटों तक आपसे बात करते रहेंगे। तो दोस्तों, जब भी आप किसी से मिलते हैं, आप उनमें कुछ प्रशंसा करने लायक ढूंढिए और उन्हें इसके बारे में बताएं। भले ही आप किसी से मिलते हो, आप हमेशा उनमें एडमायर करने के लिए कुछ ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेल कार्नेगी एक बार एक बोर्ड सर्विस एम्प्लॉई यानी क्लर्क के दिन को अच्छा बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उससे कहा, मैं चाहता हूं कि काश मेरे बाल भी आपकी तरह हो जाएं। ये सुनकर वो क्लर्क बेहद खुश हुआ और उसने डेल कार्नेगी को अपना एक्स्ट्रा सपोर्ट दिखाया। तो दोस्तों, दूसरों को अप्रिशिएट करने के माइंडसेट को डेवलप करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप इस गोल्डन रूल को ध्यान में रखें कि दूसरों को वैसे ही ट्रीट करें जैसा ट्रीटमेंट आप अपने लिए चाहते हैं। हम उन लोगों को पसंद करते हैं जो हमें अप्रिशिएट करते हैं और हमारे बारे में चीजें याद रखते हैं, जैसे कि हमारा नाम। दोस्तों, एक पालतू कुत्ता कैसे लोगों से मिलने के सिर्फ चंद पलों में उनका प्यार जीत लेता है? इसका आंसर सिंपल है, अनकंडीशनल लव दिखाने पर। एक पालतू कुत्ता हमेशा अपने मालिक के अंदर इंटरेस्ट रखता है और एंथुसियास्टिकली आप में अपना इंटरेस्ट दिखाता है। लोग इस बिहेवियर को रिस्पॉन्ड देते हैं क्योंकि हम अफेक्शन पाना पसंद करते हैं। दोस्तों, यह हमारे सेल्फ एस्टीम को प्रमोट करता है और हमें खुश रखता है। तो इसको ऑब्जर्व करके हम अपने डेली इंटरेक्शन में क्या लेसन अप्लाई कर सकते हैं, यह हमें सोचना होगा। यदि आप दूसरों को जीतना चाहते हैं तो उनमें अपना फुल अप्रिसिएशन दिखाएं और इसके बारे में एंथुसियास्टिक दिखें। डिमॉन्स्ट्रेट करें कि आप उनमें और उनकी बातों में इंटरेस्ट रखते हैं और उन चीजों को याद रखने की कोशिश करें जो वे आपको बताते हैं। इसका मतलब है कि आपको हमेशा दूसरों को चीयरफुली ग्रीट करना चाहिए, एक अच्छा लिसनर बनना चाहिए और यह श्योर करना चाहिए कि आपको आपके नाम और बर्थडेज जैसे पर्सनल डिटेल्स याद रहे। यह एक्शन कुछ एफर्ट्स की डिमांड करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी पर्सन के साथ हर इंटरेक्शन या मीटिंग के बाद नोट्स बनाने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन यह निश्चित ही लॉन्ग रन तक आपको पे ऑफ करेगा। अफेक्शन जनरेट करने के लिए सिंपलेस्ट ट्रिक यह है कि अक्सर किसी दूसरे पर्सन से बात करते हुए उसका नाम यूज करो, क्योंकि हर कोई अपना नाम सुनना पसंद करता है। जब भी आप किसी नए पर्सन से मिलते हैं तो उनका नाम याद रखें और बात करते समय इसको यूज करने की कोशिश करें। दूसरे पर्सन आपको इंस्टेंटली लाइक करने लग जाएंगे। रूजवेल्ट अपने सभी स्टाफ के बीच पॉपुलर थे क्योंकि उन्होंने उन्हें उनके नाम से ग्रीटिंग देने की हैबिट बनाई थी। वे अपने स्टाफ को सुनने के लिए समय निकालते थे और याद रखने की कोशिश करते थे कि उनके स्टाफ ने उन्हें क्या कहा। ऐसा करने से उन्होंने दूसरों को अपना एप्रिसिएशन दिखाया और उन्हें बदले में बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन उन लोगों से वापस मिला। दोस्तों, ये याद रखें, सभी आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करें, वे जीते नहीं जा सकते हैं। इसके बारे में सोचें, दूसरों के साथ आर्ग्यूमेंट करने का क्या मतलब है? 10 बार में से 9 बार लड़ाई खत्म हो जाने के बाद दोनों पार्टीज पहले की तुलना में अपने रुख यानी ईगो में और भी अधिक डिटरमाइंड हो जाती है। दोस्तों, ऐसे आर्ग्यूमेंट से कुछ हासिल नहीं होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिजल्ट क्या है, क्योंकि आपका ओपोनेंट आपसे कभी एग्री नहीं होगा, बल्कि वह आपके और आपके आर्ग्यूमेंट्स पर गुस्सा करता रहेगा। इसलिए ऐसे डिस्प्यूट्स को शुरुआत में रोकना ही एकमात्र सॉल्यूशन है। जब आप अपने आइडियाज के विरोध को डिफेंड करते हैं तो आपको अक्सर कोई एग्रीमेंट करने की जरूरत महसूस नहीं होती। उनके इनपुट के लिए थैंकफुल रहें और अपने आइडियाज को स्ट्रांगली सपोर्ट करने के लिए आर्ग्यू करने के बजाय उनके आइडियाज पर विचार करें। अगर दो लोग हमेशा हर बात पर एग्री होते हैं तो उनमें से एक डिस्पेंसिबल है यानी सुपरफिशियल है यानी दिखावटी हो सकता है। परंतु यह भी याद रखें दोस्तों, यदि दो लोग कॉन्स्टेंटली एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट और लड़ाई करते हैं तो उनके बीच कोई रियल डिस्कशन नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आप जब भी गलत हो तुरंत और क्लियर रूप से इसे स्वीकार करें। हम सब गलतियां करते हैं। जब भी आप गलती करें और कोई आपको इसके लिए डांटने वाला हो तो उसके गुस्से को शांत करने का एक आसान तरीका है, अपनी गलती को जल्दी और क्लियर वर्ड्स में स्वीकार कर लें। यह एक अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट हो सकता है। सिर्फ 1 सेकंड पहले दूसरा पर्सन आपको क्रिटिसाइज करके अपना सेल्फ एस्टीम बढ़ाने का प्लान बना रहा था, लेकिन जैसे ही आपने अपना अपराध स्वीकार किया, सिचुएशन पूरी तरीके से बदल गई। यदि वह व्यक्ति अभी भी खुद को इम्पोर्टेंट महसूस करना चाहता है तो वह आपको माफ कर देगा। डेल कार्नेगी ने इस फैक्ट को एक्सपीरियंस किया था।
जब एक पुलिस अधिकारी ने उन्हें उनके कुत्ते को बिना बांधे वॉक कराते हुए पकड़ लिया। इससे पहले कि पुलिस अधिकारी कुछ कहता, कार्नेगी ने खुद गलती की माफी मांग ली और अपनी गलती को अनएक्सेप्टेबल बता दिया। नॉर्मल सिचुएशन में अधिकारी बहुत रूड और टफ बिहेव कर सकता था, लेकिन एडमिशन ऑफ गिल्ट के कारण अधिकारी ने इसके ऑपोजिट रिएक्ट किया। उन्होंने कार्नेगी की माफी को एक्सेप्ट कर लिया और उन्हें बिना किसी फाइन के छोड़ दिया। तो दोस्तों, इस अप्रोच का एक और पॉजिटिव साइड इफेक्ट भी है, दूसरों की बात सुनने के कंपैरिजन में पब्लिकली खुद को क्रिटिसाइज करना ज्यादा प्लीजेंट होता है। पब्लिक सेल्फ क्रिटिसिज्म भी दूसरों को आपके बारे में अधिक जानने के लिए मजबूर करता है। कोई भी क्रिटिसिज्म मिलने पर खुद को डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन अपनी वीकनेसेस और शॉर्टकमिंग्स को सबके सामने एक्सेप्ट करने के लिए एक इंसान के अंदर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होना चाहिए दोस्तों। कन्विंसिंग बनने के लिए दूसरों से हाँ जितनी बार हो सके उतनी बार बुलवाएं। दोस्तों, यदि आप किसी को उसकी ओपिनियन बदलने के लिए राजी करना चाहते हैं तो उन्हें यह नहीं बताएं कि आपका क्या इंटेंशन है। कोई भी अपनी राय बदलना पसंद नहीं करता, इसलिए आपको उनको इनडायरेक्टली मनाना चाहिए। सबसे पहले दूसरे व्यक्ति का भरोसा जीतने के लिए उसके साथ नाइस, विनम्र और पेशेंटली बिहेव करें। यदि आप एग्रेसिवली बिहेव करते हैं तो आपका ओपोनेंट सुनना बंद कर देगा और उसको खुद को डिफेंड करने की जरूरत महसूस होगी। इससे बचने के लिए हमेशा शेयर्ड इंटरेस्ट पर जोर दें। यह क्लियर करें कि आप और आपका ओपोनेंट दोनों के गोल सेम हैं। अपने व्यूज तक एक्सप्रेस ना करें जब तक आपका ओपोनेंट यह ना मान ले कि आपका इंटरेस्ट भी सेम है। एक बार जब दूसरा व्यक्ति आपके गोल्स को चेंज करने के बारे में सोचता है तो उन्हें अपने व्यू पॉइंट्स पर मनाने का सबसे इफेक्टिव तरीका है कि उन्हें जितनी बार संभव हो अपने आप से सहमत करवाएं। अपने ओपोनेंट से बहुत सारे ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछकर अपना लॉजिक दें जिनका उत्तर केवल हाँ के साथ दिया जा सकता हो। दोस्तों, इस अप्रोच के पीछे की रीजनिंग को सोक्रेटिक मेथड कहते हैं। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग किसी डिस्कशन के दौरान आपको जितनी अधिक बार यस मिलती है उतनी ही अधिक पॉसिबिलिटी है कि जब भी आप इस टॉपिक पर अपनी रियल पोजीशन एक्सप्रेस करते हैं तब भी आपको हाँ ही मिलेगी। दोस्तों, सोक्रेटिक मेथड का उपयोग करके आप लोगों को उन व्यूज के लिए एग्री करा सकते हैं जिन पर वे कुछ समय पहले बिल्कुल सहमत नहीं थे। श्योर करें कि दूसरे लोग आपको पसंद करें। उसके लिए आप स्माइल, लिसनिंग और एप्रिसिएशन को यूज कर सकते हैं। यह उन्हें आपको अधिक सुनने और आपके फेवर में काम करने के लिए तैयार करेगा।